हेलो फ्रेंड्स, आज हम छुंदा बनाएंगे। छुंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कच्चे आम को धो के छील कर इसे ग्रेट करके रख लिया है। ग्रेट करने के बाद अब इसका वेट करीब 300 ग्राम है। मसालों में हम यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे या करीब 1/2 टीस्पून नमक, 1 पिंच सिनेमन पाउडर लेंगे और 3 से 4 पीसी भी लौंग ले लेंगे, 225 ग्राम चीनी लेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से बढ़ा भी सकते हैं। छुंदा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ग्रेट किया हुआ कच्चा आम डालेंगे। अब इसमें हम 225 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस वक्त स्लो में रखना है। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चीनी मिलाने के बाद अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी आप थोड़ी ही लें, यदि ज़रूरत लगे तो इसमें बाद में नमक ऐड किया जा सकता है। अब इसे हम स्लो फ्लेम में एक तार की चाशनी आने तक के पका लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें। कुछ देर पकाने के बाद अब इसमें एक तार की चाशनी बनने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों को आप फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालें। सबसे पहले हम 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में हम इसमें 3 से 4 पीसी भी लौंग का पाउडर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाला हमारा टेस्टी छुंदा अब तैयार है। ये बाजार के छुंदे से भी अच्छा बना है और वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में 6 महीने से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।